मुझे अकेला छोड़ दो। मेरी बात तो सुनो, ये बॉक्स मुझे दो। बिल्कुल नहीं, मैं इसे पहनूंगी। लेकिन क्यों, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? जरा सोचो, सब लोग देखेंगे कि तुम कितनी सुंदर हो। नहीं, मैं बदसूरत हूँ, मैं ये बॉक्स ही पहनूंगी। घर जाओ। स्वीटी, मुझे नहीं पता तुम्हारी मदद कैसे करूँगी। आउच, हद है, इस बॉक्स में तो कुछ भी नहीं दिख रहा। हेलो दोस्तों। हे, ये हो क्या रहा है? तुम मेरे सामने क्यों आ गई, बदसूरत लड़की? हेलो बच्चों, बहुत अच्छी खबर है, हमारी क्लास में एक नई स्टूडेंट आई है, ईवा। सभी को हेलो। इसने अपने खोपड़े में बक्सा क्यों रखा हुआ? तो फिर ये अपने चेहरे से ये बकवास सब बक्सा हटा क्यों नहीं देती है? इसका ये स्टाइल है, हम सब यहाँ अपनी पसंद के ही कपड़े पहनते हैं। जाओ बैठ जाओ ईवा। कितनी बकवास है, क्या ये मॉन्स्टर हमारी क्लास में रहेगी? चुप रहो, ये एक फ्रेंडली क्लास है, हम सब यहाँ एक हैं। हाँ, और हम एक दूसरे से प्यार है। तो बस चुप भी रहो। हाँ चलो, लेसन शुरू कर लेते हैं, ठीक है? बहुत मुश्किल है हर एक बच्चे के लिए सही अप्रोच ढूंढ लेना। ये पागलपन है, लगता है किसी ने मुझे यहाँ पसंद नहीं किया। मैं बदसूरत चेहरे की बजाय इस बॉक्स के साथ रहना पसंद करूँगी। यू, मैं खुद को देख भी नहीं सकती हूँ। अरे वाह, तुम कितनी सुंदर हो। मुझे मत देखो, मुझे मत देखो। हे, क्या हुआ है? मुझे लगा तुम बॉक्स के पीछे इसलिए छुपी क्योंकि तुम बदसूरत हो। हाँ, यही बात है। क्या, तुम मुझसे भी ज्यादा सुंदर हो, प्रॉब्लम क्या है? झूठ बोल रही हो तुम, बस यूं ही बोल रही हो और मुझे सच नहीं बता रही हो। शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं इस बारे में। मैं लायक नहीं हूँ, मुझे बस छोड़ दो। कर लो जो करना है, तुम्हारा चेहरा छुपाया नहीं जा सकता। सुनो, क्या तुम मेरी एक मदद करोगी? जरूर। वो किसी को मत बताना कि तुमने मेरा चेहरा देखा, ठीक है? ठीक है, कुछ नहीं कहूंगी, ये सीक्रेट रहा। हे दोस्तों, शायद आपके कमेंट्स ईवा को बॉक्स से बाहर निकलने में मदद करेंगे। आप उसे बताओ कि आप उसे कितना प्यार करते हो और ये शर्माना बंद कर देगी। जाइए, कमेंट्स लिखिए, हम इंतजार कर रहे हैं, जल्दी। हे, कौन है अंदर? जल्दी बाहर निकलो, मुझे अपना मेकअप ठीक करना है। बस बाहर आ तो गई, चिल करो। ठीक है, जाओ। क्लास की कलंक, लगता है तुम सही जोड़ी हो। ये सच में बहुत ज्यादा अकड़ू है। अदेवा, अभी हमारी जिम क्लास है, हम कैसे भूल गए? रुको रुको, हम कहाँ जा रहे हैं? मैं इतनी जल्दी नहीं चल सकती। जल्दी करो, क्लास शुरू हो चुकी है। उप्स, सॉरी। अरे चेहरे से ये बकवास हटा क्यों नहीं देती? वैसे भी बक्सा हटाओगी तभी तो दिखेगा ना। मैं ईवा हूँ। अब ये क्या बकवास है, हम पीटी करने वाले हैं, ये बॉक्स तुम्हारी पीटी में अड़ेगा। हाँ, ईवा पहले ही बीच रास्ते में है, उसे चले जाना चाहिए। सर, ये बॉक्स मेरा ही हिस्सा है और ये ऐसे ही रहेगा। तुम्हारी ये मॉडर्न शरारते, चलो जल्दी से ट्रेनिंग शुरू करते हैं और आज हमें अच्छे से स्ट्रेचिंग करनी होगी हमें। अरे मुझे कुछ नहीं दिख रहा, ये बॉक्स तो काफी अनकंफर्टेबल है और मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। मेरे पास एक आइडिया है। अरे मेरे कान! एरियल, तुम्हें क्या हो गया? नई लड़की को वार्म अप लीड करने दे, मुझे लगता है वो सचमुच करना चाहती है। ए लड़की, मैं चाहता हूँ कि तुम इस टीम को लीड करो, समझी क्या है? अरे ये क्या ड्रामा कर रही हो? बढ़िया वार्म अप। एवा, तुम क्या शीशे के साथ वार्म अप कर रही हो? ओह नहीं, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। हे ईवा, बॉक्स हटाओ, तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा है। और चमक, चलो क्या लो, बॉक्स हटाओ, बॉक्स हटाओ। मैं इस बॉक्स को नहीं हटाऊंगी।
बेचारी ईवा, जानती हूँ उसके लिए मुश्किल है। इस बॉक्स के अंदर तो बहुत गर्मी है, मुझे ठंडा होना होगा। ईवा, तुम कैसी हो? अच्छी नहीं हूँ, तुम्हें पता है। एरियल ने तुम्हें वॉकिंग टीवी नाम दिया है, उसे लगता है कि तुम्हारा ये बॉक्स टीवी जैसा दिखता है, समझी? मजाक नहीं। उप्स, मेरा ये इरादा नहीं था, सॉरी दोस्त। दोस्त? क्या हम दोस्त बन गए? बिल्कुल। क्या ये तुम्हारा बॉक्स ट्राई करूं? क्यों? मैं देखना चाहती हूँ कि अंदर कैसा है। लो। और ये बुरा है। क्या तुम्हें ये पसंद है? नहीं, ये बुरा है, इसकी जरूरत नहीं है, अनकम्फर्टेबल। क्या तूने अगले वीक का शेड्यूल देखा क्या? बहुत ही बुरा है। क्या कर सकते हैं? मैं लगभग पकड़ी गई। ओ क्रिस, देखो ये चलता फिरता टीवी भी यहाँ पर बैठा है। तो क्या हो गया? होने दे बे। तो फिर चलो इसके साथ मजाक करते हैं। अरे यार, तू क्या कर रहा है? ईवा, अपना बॉक्स उतार क्यों नहीं देती हो? नहीं, मैं ये कभी नहीं उतारूंगी। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें उतारने पे मजबूर कर दूंगा। मैं समझी नहीं। बुद्धि फिर गई तेरी, लगाओ घंटा पे तेरे। लेकिन मैंने ऐसा किया क्या है? या? वो मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं? मुझे पता नहीं, सच में कुछ पता नहीं। तुम एक ऐसी लड़की हो जिसके सर पर बॉक्स है। तुम भी। मैंने क्या गलत बोला? मुझे उसे नफरत है, मुझे सबसे नफरत है। मैं बस सूरत हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मुझे कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं मिलेगा, मैं किसी को पसंद नहीं आऊंगी। हनी, दरवाजा खोलो, मैं तुमसे बात करने आई हूँ। माँ, मुझे अकेला छोड़ दो, आपने एक बसूरत बेटी पैदा की है, अब आप मुझसे बात करना चाहती हो? नहीं। ये शीशा आखिर क्यों है? इससे मैं और भी बसूरत दिखती हूँ। मुझे स्कूल से नफरत है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। टीना, तुम क्या चाहती हो? हमारी क्लास है, तुम कब आ गई? मुझे अकेला छोड़ दो। टीना, मैं पूछ सकता हूँ क्या हुआ है? मैं ईवा की मदद करना चाहती हूँ, वो बहुत सुंदर है और वो उस कार्डबोर्ड में घूम रही है। क्या तूने देखा है कि वो दिखती कैसी है? नहीं नहीं, मैं उसे कहाँ देख पाऊंगी, मैंने कुछ नहीं देखा। तुम क्लास में पहुंच गई। दुर्भाग्य से हाँ। अंदर क्या चल रहा है बताओ? मुझसे दूर रहो। नई लड़की को परेशान करना बंद कर बे। तू एरियल थोड़ी है जो लोगों को चढ़ाएगी। शुक्रिया, तुम्हें मेरे लिए तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? कैम्फनी पिंक कलर की क्यों नहीं है बेवकूफा? मेरा ग्रैंड एंट्रेंस बर्बाद करके रख दिया तुम लोगों ने। बच्चों, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, तो अब दो प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए मैं करूंगी चार लोगों का चुनाव। वाह, मुझे प्रेजेंटेशंस पसंद है, अभी किसकी है? तो तुम टीना और एरियल। ओहो, इस बेवकूफ के साथ नहीं। और नई लड़की ईवा क्रिस के साथ। सीरियसली, क्या आपको यकीन है? मैं रीवा की फ्लर्टिंग को हार्ट थोड़ी करना चाहता, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही हो गया है। क्या मैं क्रिस के साथ हो सकती हूँ? हम एक साथ अच्छे लगते हैं। नहीं, मैंने फैसला कर लिया है, प्रेजेंटेशन के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन उसे शानदार बनाओ। कैसा लग रहा है? टीना, मैं प्रेजेंटेशन के लिए क्रिस के साथ मिलके काम करूंगी। तुम लकी हो, मैं एरियल के साथ फंस गई, तुमसे जलन हो रही है। मुझे भी खुद से जलन है। मैं और क्रिस बहुत कमाल है। रुको, क्या तुम्हें क्रिस से प्यार हो गया है? मुझे नहीं पता टीना, सच कहूँ तो मुझे नहीं पता। अगर तुम बॉक्स हटा दो तो वो तुरंत तुम पर फिदा हो जाएगा।
बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं बेकार दिखती हूँ, अगर मैंने बॉक्स उठाया तो क्रिस भाग जाएगा। सच कहूँ तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसा ही होगा। ईवा अंदर आ जाओ। क्रिस हम यहाँ क्यों आए हैं? मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ कुछ करने के लिए। नहीं नहीं, बस मत देखो। क्या बात है, जाने में सुंदर लग रही हो, बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था तुम्हारे बारे में। क्या क्या तुम सीरियस हो? हाँ यार, तुम ये बॉक्स क्यों पहनती हो? हाँ मैंने यही तो सोचा था, मुझे यकीन है। टीना कहानियां बनाना बंद करो, बस मन की बातें हैं। मैं कोई सुंदरी नहीं हूँ, क्रिस मुझ में दिलचस्पी नहीं लेगा। पागल है, मेरे को समझ में नहीं आया। टीना सच में तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? ऐसा कभी नहीं होगा। तुम मेरी बात सुनना ही नहीं चाहती। हाँ, जब तुम्हारा खुद का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तो तुम ऐसी सलाह कैसे दे सकती हो? हाँ मुझे नहीं पता। ईवा क्या तुम यहाँ? हद है, वो क्या चाहता है? क्रिस अंदर आओ, तुम्हारी पार्टियां हैं। ईवा क्या तुम तैयार हो, प्रेजेंटेशन का काम शुरू करें? हाँ हाँ चलो चलें। खूब मजे करो। क्या तुम पागल हो? समझ नहीं आता। कितना भयानक है, मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे शॉपिंग जाना है और इस बकवास प्रेजेंटेशन में नहीं पढ़ना है। हे एरियल, तो क्या तुम काम निपटाने के लिए तैयार हो? ये स्मेल कैसी है? क्या पता ये क्या है। तुम्हारे लिए खास बनाया है, हम प्रेजेंटेशन पे काम करेंगे और चाय पियेंगे। अगर तुम फिर कभी ऐसा कुछ मेरे कमरे में लाई तो तुम्हारी खैर नहीं। हे टेस्टी खाना बर्बाद क्यों? हद है। चलो अब प्रेजेंटेशन पे काम शुरू करते हैं। मैंने तय किया है कि हम एक प्रेजेंटेशन देंगे, कैसे सुंदर दिखें। ये बोरिंग है, इसके बजाय खाने का कुछ करते हैं। चुप रहो, जैसा मैं कहूँगी वैसा ही होगा। जाओ जाके तैयार हो जाओ, प्रेजेंटेशन के लिए फोटो लेनी है। मैं तैयार हूँ। भयानक, ये तुमने अपने साथ क्या किया है? मैंने ऐसे कपड़े पहने हैं जैसे कि हम बलिस्टियागा फैशन शो में हैं। क्या अच्छा नहीं लगा? टीना तुम ट्रेंड के बिल्कुल ऑपोजिट हो, मुझे तुम्हारे साथ प्रेजेंटेशन नहीं करनी। नहीं एरियल, मुझे मत छोड़ो प्लीज, अगर मुझे एफ मिला तो मेरे पेरेंट्स मुझे कच्चा खा जाएंगे। प्लीज मुझे मत छोड़ो प्लीज, चुप रहो। ठीक है ठीक है, अपने कपड़े बदलो। शायद फ्लोर पर अनियन पाई बची हुई होगी, बस लेने जाती हूँ। तो फिर प्रेजेंटेशन के लिए कोई आइडिया है बस? सच कहूँ तो कुछ पक्का नहीं है। चलो पर सोचना शुरू कर, बुद्धि चलाइए ढंग से। जानवरों के बारे में बनाए, जैसे शायद चूहे या शायद मुर्गियाँ। क्या तूने एरियल और उसके गैंग का नाम लिया? हाँ बिल्कुल। लगता है उन्हें बुरा लगेगा। कुछ ऐसा रहेगा। क्या तुम बक्से को हटा सकती हो? मुझे उन लोगों से बात करना पसंद नहीं है जिनका चेहरा नहीं दिखता, सोच ले तेरे से ही बात नहीं करूंगा। मैं ये बॉक्स कभी नहीं हटाऊंगी, बस ये मत पूछना कि क्यों। मैंने कोशिश तो की। स्पेस के बारे में क्या ख्याल है, एलियंस या फिर स्टार्स? हा? अरे यार बिल्कुल, ये शानदार आइडिया। वो मैं सारे नोट्स ले लूंगी ताकि फिर हम कुछ भूले ना। हाँ अभी ये क्या है? हद है। ये फनी लड़की कौन है? ये मेरी दोस्त लोइसा है, वो कभी कभी आती है, मैंने ही उसकी फोटो ली थी। हाँ कहाँ जा रही है, प्रेजेंटेशन बनानी है ये? इससे बाद में करते हैं, मुझे रेस्ट रूम जाना है। ये क्या कर रही है वे? हीवा की एक फनी दोस्त है लुइसा, तो दूसरी फोटो में तो खूब कट्टो लग रही है।
कांटा पीस है। ओ, ये कैसे हुआ? क्रिस ने लगभग मुझे पकड़ ही लिया। ओ, मैं तो उन फोटोज को पूरी तरह भूल ही गई। उसने मुझे फनी कहा, उसने पक्का मुझे पसंद नहीं किया। ओ, 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 टीना, 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 क्या तुम यहाँ हो? ओ, मुझे अपनी ये सारी फोटोज यहीं पे छोड़नी होगी। Awesome, लगता है कोई नहीं है। क्या तुम इस प्लान के बारे में श्योर हो? बिल्कुल, हमें बॉक्स को लेना होगा। वो रहा, मुझे पता था ईवा इसे किस दिन निकालेगी। एक सेकंड रुक जाओ। क्या कर रही हो? झगड़े के लिए मुझे मेकअप तो करना होगा। ओह चलो, मैं तुम्हारे बिना ही संभाल लूंगी। हद है यार, मैंने अपना ग्लिटर क्यों खराब किया? तो फिर कम से कम उंगलियां तो नहीं गाड़नी थी। अरे यार रुक तो जाओ। कोई अब मेरी घिनौनी तस्वीरें दोबारा नहीं देख पाएगा या मेरा चेहरा। ओ, बॉक्स कहाँ है? ओ, मैंने तो यही छोड़ा था ना। हाँ, अरे यार वो तो यही पर ही था। नहीं, उन्होंने इसे चुरा लिया और मैं नहीं, मैं इस बॉक्स से बिना नहीं रह सकती। नहीं, मेरा चेहरा। हेलो माँ, जल्दी स्कूल आओ, मैं परेशानी में हूँ। उम्मीद है मुझे कोई नहीं देखेगा, उम्मीद है मुझे कोई नहीं देखेगा। आज ईवा के साथ प्रोजेक्ट पर काम था ना, बता कैसा गया वो? सब बढ़िया था, लेकिन अचानक से पता नहीं कहाँ गया वो भाई। उम्मीद है किसी का ध्यान नहीं जाएगा, किसी का ध्यान नहीं जाएगा। लगता है उसका बक्सा चोरी हो गया। तो माँ कहाँ है? हमेशा की तरह मैं यकीन नहीं कर सकती। स्वीटी, मैं आ गई। फाइनली, क्या आप और धीरे आ सकती थी? मैं लगभग पकड़ी गई। हाँ, तुमने यही मांगा था ना। ये क्या है? ये एक बैग है, इसे सिर पर रखो। तुम बॉक्स को बदलना चाहती थी ना? माँ माँ माँ, मुझे सेम बॉक्स चाहिए था, मुझे बैग की जरूरत क्यों होगी? बॉक्स नहीं मिल पाया मुझे, बस यही मिला। वाओ वाओ, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे और कुछ नहीं मांगूंगी, आप मुझे बहुत परेशान कर रही हो। मैं पक्की लूजर हूँ। ईवा तुम यहाँ हो? पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढा, मैंने स्पेस के बारे में पोस्टर तैयार किया है, ये देख, खोल के दिखा रहा हूँ तुझे। बढ़िया, देख रहा हूँ तूने खोपड़े की स्टाइल बदल दी है, बक्से की जगह पेपर बैग। हाँ, मैंने इसे बदलने का फैसला किया। चलो हम प्रेजेंटेशन की स्पीच खत्म करेंगे और फिर सीधे क्लास में चलें। चलो चलें। तो दोस्तों, प्रेजेंटेशन तैयार है ना? एरियल, हमारे पास क्या है? क्या सब तैयार है? मैं तैयार हूँ, तुम्हारा नहीं पता। Come on, एरियल। ईवा और क्रिस दिखाई नहीं दे रहे, क्या वो प्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हैं? हम तैयार हैं, देर से आने के लिए सॉरी। दोस्तों, हंस क्यों रहे हो? चुप हो जाओ, ईवा की स्टाइल बदलने में कुछ भी गलत नहीं है। एरियल, टीना, बाहर आओ और अपनी प्रेजेंटेशन देना शुरू करो। मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी आपको लग्जरी फ्रेग्रेंस से। अच्छा, मैंने इस फ्रेग्रेंस का इन्वेंशन किया है। हाँ, टीना ने थोड़ी बहुत मदद की। क्या? ओह, चलो दिखाओ फिर। आप खुद देखिए। वाह! अरे वाह, ये बहुत अच्छा है। लेकिन मैंने देखा था तुमने उन्हें ऑनलाइन ऑर्डर किया था। ऑनलाइन? एरियल, क्या तुम धोखा दे रही हो? हाँ, ये मजाक है। मैं ट्रेंडी आउटफिट के बारे में बताती हूँ। जैसे मेरी स्टाइल बहुत बढ़िया है और ये बहुत ही घटिया है। हाँ, वो मेरा बॉक्स है। टीना, तुमने इसे चुराया? मैंने नहीं चुराया, नहीं पता उसे ये कहाँ से मिला। रुको, एरियल तुम्हें मिलता है F। क्या बकवास है, एरियल ने फिर से मुझे शर्मिंदा किया। हे लड़की, ये रहा तुम्हारा बॉक्स। दफा हो जाओ गद्दार। हे, क्या हुआ है? तुम्हें ये पता था, तुम दोनों ने मिलकर प्रेजेंटेशन तैयार किया। मुझे कुछ नहीं पता था, एरियल ने ये खुद सोचा। मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी, मैंने प्रॉमिस किया था ना।
मुझे स्कूल से नफरत है, मुझे पता था सब मुझे मिलकर परेशान करेंगे। अरे एरियल पर ध्यान मत दो, वो लड़की पागल है। हमें प्रेजेंटेशन खत्म करना होगा वरना मैं क्रिस को फंसा दूंगी। क्लास चलते हैं। सही डिसीजन है दोस्त। बहुत हो चुका, मुझे खुश करने की कोशिश मत करो। अच्छा तो ये बताओ क्रिस, क्या तुम प्रेजेंटेशन अकेले ही करोगे? लगता है कि मेरे पास कुछ है। मैं स्पेस के बारे में बात करना चाहता हूँ। हाँ, सभी लोग सुन रहे हैं। सभी को हेलो। हे, क्या मैं क्रिस के साथ प्रेजेंटेशन कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। बढ़िया है, तो क्या मैं शुरू करूँ? ठीक है, कुछ बेहतरीन स्पेस फैक्ट से शुरू करते हैं। हमारी गैलेक्सी में हर साल लगभग 40 नए तारे बनते हैं। सच में? जब हम सबसे दूर तारे को देख रहे होते हैं तो असल में हम 4 अरब साल पुराने पास को देख रहे होते हैं। सच में? माइंड ब्लॉगिंग। और मत भूलो, एस्ट्रोनॉट्स प्लैनेट का पता लगाने के लिए स्पेस में जाते हैं। कुछ ऐसे दिखते हैं एस्ट्रोनॉट्स। इसका मूड रखूंगा मैं ऐसे। वाह, एस्ट्रोनॉट स्पेस सूट पहनते हैं, लेकिन ये तो अपनी ईवा है, इसके पास अपना खुद का स्पेस सूट है। तो तुम्हारी शानदार प्रेजेंटेशन, मेरी तरफ से तुम्हें मिलता है A+। क्या ये सही नहीं है? उन्होंने तो बस बकवास दिखाई थी। जला मत करो। यार मैं प्रेजेंटेशन को लेकर बहुत परेशान था, इतनी आसानी से हो गया, बताओ। ये तो तू सही कह रहा है क्रिस, लेकिन ये ईवा के कारण हुआ। क्रिस, अभी ये सब क्या था? कहा वगैरह ये वे। तुम्हें ईवा के साथ प्रेजेंटेशन में गड़बड़ी करनी थी, उसे और ज्यादा शर्मिंदा करने के लिए। मेरे को फ्री छोड़ दे, मैं तय करूंगा मुझे क्या करना है, समझी? मेरी बात सुनो, जैसा मैं कहूँगी सब वैसा ही होगा। ऐसा काई को? मेरे पापा स्कूल के स्पॉन्सर हैं, और अगर मैं चाहूँ तो तुम यहाँ से निकल जाओगे। जैक मैं डर गया हूँ। ऐसा सोचना भी मत जैक, तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है। क्रिस देखो मुझे इसमें मत खींचो, मजा भेजेगी। चटक गई है, भले ईवा बॉक्स में घूमती हो उसका चेहरा मैंने नहीं देखा, लेकिन फिर भी तेरे से बढ़िया है वो। क्या उसकी ये मजाल? क्या ईवा हमसे बेहतर है? नहीं, अच्छी जगह आए हैं। टीना, क्या मैं तुम्हें कुछ बता सकती हूँ? हाँ बेशक, बोल दो। टीना, क्रिस ने मुझे गले लगाया, क्रिस ने मुझे गले लगाया। क्या ये सच है? अरे नहीं, लगता है बॉक्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई है और इसने तुम्हें पागल बना दिया। मैं शॉक में हूँ, यकीन नहीं हो रहा, मैं उसके साथ डेट पे जाना चाहती हूँ। तो जाओ, तुम्हें कौन रोक रहा है? और ये जो मेरा भयानक चेहरा है, क्या बकवास है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मेरी प्यारी ईवा कहाँ है? क्या वो स्कूल से वापस आ गई? मेरा मतलब है, क्या ईवा तुम्हें स्वीट बन चाहिए तो बोलो। माँ, मेरी दोस्त टीना से मिलो। ओए, अरे तुमने बॉक्स उतार दिया क्या? कितना अच्छा लग रहा है। ये टेम्पररी है, समझी? और वैसे भी मैं कुछ मेकअप लेने आई हूँ। क्या मेकअप? कैसा मेकअप? इसे हमारे क्लासमेट क्रिस पर क्रश है। ओ ये एक और लड़का, मुझे डर है वो उसका दिल ना तोड़ दे एडम की तरह। अरे आप क्यों रो रही हैं? एडम ने ईवा से कहा कि वो बदसूरत है और लोगों को डर ना लगे, इसीलिए उसने बॉक्स पहना। ओ तो अच्छा, तो ये है सारी बात। बेचारी ईवा, आप चिंता मत करिए, मैं ईवा के साथ रहूंगी और उसकी मदद करूंगी। ठीक है टीना, चलो चलें। गुड बाय। अपना ध्यान रखना। लड़कियों, हम काफी टाइम से पार्टी करना चाहते थे, मैंने सब अरेंज कर दिया है। एरियल तुम तो बेस्ट हो। चलो अपना फेवरेट म्यूजिक बजाते हैं और कुछ स्नैक्स भी खाते हैं। क्या तुम लोगों ने क्रिस का नया ट्वीट देखा है? नहीं, मैं उस पर नजर नहीं रखती।
उसने लिखा है कि ईवा हमसे ज्यादा स्मार्टर है। क्या तुम्हें यकीन है? क्या सच में? ये बेवकूफ, ईवा मुझसे बेहतर है। मैं बताती हूँ सबको। तो अब तुम्हारा प्लान क्या है? मैं सबको और ईवा को यहाँ बुलाऊंगी और उसे यहाँ पर शर्मिंदा करूंगी। उसका बॉक्स उतार के सबको चेहरा दिखाऊंगी। एरियल, सबसे पहले तो हमें ये पार्टी करनी है और दूसरी बात, शायद हमें उस बेचारी ईवा को परेशान करना बंद करना चाहिए। तुम तो चुप ही रहो। मैं तय करूंगी क्या करना है, तुम मत समझाओ कि क्या करना है। दिमाग खराब है तुम्हारा, तुम ही ईवा को अटेंशन दिए जा रही हो। अब अगर तुमने कुछ भी बोला तो तुम्हें बाहर निकाल दूंगी और तुम पार्टी में नहीं आओगी। और एक, ये हुआ दो। चलो भी दोस्तों और करो, अपने दर्द को भुला दो। मिस्टर टॉनी, आज रेव थक गए, कल करेंगे यार। रुको, 5 मिनट वेट करो, फिर इससे भी ज्यादा हैवी वेट उठाएंगे। बदन का पुरसा पुरसा हिला दिया। किसकी नानी मर गई? देखूं जरा। क्रिस, मैं तुम्हें और जैक को अपने यहाँ पार्टी में बुला रही हूँ, 7 बजे मिलते हैं। किसका मैसेज है? वही है पगलिया, एरियल। मैं तो घंटा नहीं जा रहा, तेल की सीसी लगी पीछे पड़ी है। तो फिर चलते हैं ना, वही तेल उसको लगाएंगे। मैं बोल रहा हूँ चलते हैं, बहुत मजा आएगा हमें। ठीक है, चल लेंगे। मैं क्या, चलो चलो दोस्तों, तुम कर सकते हो और भी वजन उठा सकते हो। चलो चलो दोस्तों, उठा लो इसको। टीना, सच में एरियल की पार्टी, मैं इसमें शामिल ही क्यों हूँ? कम ऑन, चलो मजा करते हैं। और ये पहली बार है कि उसने हमें बुलाया है। टीना, मैं नहीं जाऊंगी। मैं पार्टी में जाऊं ही क्यों? बेकार लगती हूँ, मेरे पास कोई अच्छे कपड़े नहीं है। ये शर्मनाक है मेरा वहाँ जाना। क्या मैं अंदर आ जाऊँ? लिली, तुम यहाँ क्यों हो? तुम एरियल की पार्टी में जाओगी है ना? शायद। बहुत बढ़िया, मैं तुम्हें बेस्ट दिखने में मदद करूंगी। तुम मेरी मदद? लगता है सब मिला दिया है। नहीं, सब ठीक है, एरियल ने दिमाग खराब कर दिया है। मैं उसे सबक सिखाना चाहती हूँ और तुम्हें शानदार बनाना चाहती हूँ। लिली, वो तुम्हारी दोस्त है। एरियल मंदबुद्धि है, मैंने पॉपुलैरिटी के लिए उसे दोस्ती की थी, किसे परवाह है। चलो मैं तुम्हें तैयार करती हूँ। ये सब वैसे बहुत अजीब है। वो नहीं 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 नहीं, इसे पहनो, मुझे लगता है तुम पे सूट करेगा। मैं कैसे दिखती हूँ? वाह, तुम कमाल लग रही हो, तुम्हारा फिगर तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन शायद तुम्हारे चेहरे का थोड़ा प्रॉब्लम है। हाँ ये है, इसलिए मैं बॉक्स पहनती हूँ। मैं लोगों को डराना नहीं चाहती। क्यों ना तुम इसे उतार दो, मैं तुम्हारा मेकअप कर दूंगी, तुम खूबसूरत लगोगी। क्योंकि मुझे नहीं पता और कैसे मदद करूं। देखो जरा मेरा चेहरा, ये कितना बकवास है। ये तुम क्या कह रही हो, तुम तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, जागो। तुम इस तरह अपना चेहरा कैसे छुपा सकती हो? ठीक है, क्या तुम मेरा मेकअप कर सकती हो? मैं फिर भी जाऊंगी, लेकिन इस बॉक्स को पहन के। ये सब क्या है? यहाँ तो अभी तक कोई नहीं आया है। इम्पॉसिबल, तुम कहाँ थी? ये बेवकूफ। मैं ड्रेस चुन रही थी, दुकान के चक्कर लगा रही थी। ड्रेस बकवास है। ओ चमक, चल लो, क्या ले तुम्हारे? ड्रेस सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। हे सब लोग, चलो पार्टी शुरू करते हैं। हमारी बॉक्स वाली कहाँ गई? पता नहीं, शायद ईवा ने मन बदल लिया। लो आ गई हमारी बेवकूफ। सभी को हेलो। वाह ईवा, गजब लग रही हो। तो क्या पार्टी शुरू हो रही है? शो के लिए तैयार हो जाओ। तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों? अरे नहीं। वाओ। मुझे समझ नहीं आया, इसका बदसूरत चेहरा कहाँ है? ईवा,
तुम तो सुनहरा बदन, हल्दी चंदन हो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, इसे तो सच में अगली होना चाहिए था। हाँ, ये मेरी दोस्त है, मेरी। हाँ ईवा, तुम तो स्वर्ग की परी की तरह। सही में खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो यार तुम। ईवा, मैं तो बोल रहा था कि ये मेरी पार्टी है। क्या तुम सब पागल हो? कल रात हमने खूब मजा किया, क्या तुम ऐसे ही एक और पार्टी करना चाहती हो? सही कहा, बस एरियल के बिना। हेलो सब लोगों को, अगर मैं ये बॉक्स छोड़ दूं तो क्या कोई प्रॉब्लम है? ईवा, तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर हो, तुम्हें अपना चेहरा सबको दिखाना चाहिए। ईवा, ले आओ मैं होमवर्क कॉपी का दूं तुम्हारा। नहीं क्रिस, ईवा का होमवर्क तो सिर्फ मैं ही करूंगा। अच्छा लड़ जा, मैं करूंगा। और मैं तुम्हें अपनी कैफे में बुलाना चाहती हूँ, हम अपनी गर्ल्स नाइट रखेंगे। हाँ, और हमारा अपना ग्रुप होगा। हेलो दोस्तों। ईवा, तो बताओ आज रात तुम कर क्या रही हो? मेरे साथ कहीं घूमने वूमने चले? hey, क्या तुम मुझे सुन नहीं सकते? लूजर्स कहीं के। दोस्तों, मैं बताना चाहती थी कि मैंने मन बना लिया है कि मैं इस बॉक्स को हटा दूंगी। ये अब तक का सबसे अच्छा डिसीजन है। तो बस अब मैं इस बॉक्स को हटा दूंगी। जाओ छोटे बॉक्स, तुम काफी लंबे समय से मेरे साथ हो, लेकिन अब गुड बाय का टाइम आ गया है। हद है, इस बेवकूफ ने बॉक्स फेंक दिया। ईवा ने मेरे दोस्तों को चुरा लिया, मुझे उन्हें वापस पाना होगा। ओह, अगर मैं भी एक बॉक्स ले लूं और गरीब और बदसूरत लड़की होने का दिखावा करूं तो? मिसेस मेलानी, मेरी बेटी को उसकी समस्याओं से बाहर लाने के लिए आपका शुक्रिया। मैंने कुछ नहीं किया, ये उसके क्लासमेट्स ने किया है। हाँ, यही लोग थे जिन्होंने मेरी मदद की, और मिसेस मेलानी ने मेरे फैसले का सपोर्ट किया। आपका स्कूल कमाल है, सच में। यकीन नहीं हो रहा, मैं बॉक्स के बिना हूँ, केवल दो छेद के बिना। सबको देखना कितना अच्छा है। ईवा, चलो शॉपिंग चलते हैं। हम अभी ग्रुप बन चुके हैं। चलो चलते हैं, मैं तैयार हूँ। हेलो एवरीवन। अरे ये क्या हुआ? हाँ मैं एरियल हूँ, मैं बदसूरत हूँ और मुझे अपनी शक्ल पे शर्म आ रही है। सीरियसली, तुम ईवा का मजाक क्यों उड़ा रही हो? उसकी प्रॉब्लम्स का मजाक उड़ाना क्या तुम्हें अच्छा लगता है? यहाँ से चली जाओ, तुम्हारे दोस्त अब तुमसे बात नहीं करना चाहते हैं। दोस्तों प्लीज ऐसा मत करो, एरियल बस परेशान है, हमें एक दूसरे को चोट नहीं पहुँचानी चाहिए। ईवा, तुम फिर से बक्सा पहन रही हो, तो ताना नहीं चाहेगा? तो खोपड़ी में आईडिया आया, मैं क्या सोच रहा था, डेट पे चले? क्रिस, असल में ये मैं हूँ। क्या बकवास चल रही है, चल बदली गली से निकल ले। क्या तुम मेरे साथ कैफे नहीं जाना चाहते? नहीं बिल्कुल नहीं, चल फूट ले यहाँ से। अभी ईवा का फोन। हेलो, तुम क्या कर रहे हो? अरे मैं तो तुम्हें डेट पे बुलाना चाह रहा था। क्या? तो तुम तैयार हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ईवा, पापा, मेरे पापा। ईवा, नहीं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो अब होने वाली है। पता नहीं यार, सबसे इंटरेस्टिंग बात तो अभी है, शूट के बाद यही बर्गर हम लोग भी खाएंगे, ठीक है? अबे वड़ा पाव खा। नहीं यार, वड़ा पाव थोड़ा अजीब लगता है, मैं बर्गर खाऊंगा। क्या बात कर रहे हो तुम, मैकडॉनल्ड्स ले चलो। अरे यार मैकडॉनल्ड्स मस्त होता है यार, मैं वहीं जाऊंगा शूट के बाद। मैं देखना चाहती हूँ कि अंदर से कैसा लगता है। ये लो। सर्दी हो गई क्या? एक दो तीन, गिनो किसने कमेंट में कितनी बार छीका है। हाँ, हमें लूसी और जैक की याद आ रही है ना?